नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। अगर हम गैंगस्टर यानी डॉन की बात करें तो हर हिंदुस्तानी के मन में दो तीन नाम सबसे पहले आते हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अबू सलेम। लेकिन आज हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसके खौफ में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना लखनऊ टूर कैंसिल कर दिया था। एक डॉन के तौर पर उसने सबसे पहले इंडिया में AK-47 का यूज किया था। वो जहाँ भी चलता था हमेशा AK-47 साथ लेके चलता था। लेकिन हमारी खुशकिस्मती और उसकी बदकिस्मती, जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ उस दिन उसके पास AK-47 नहीं था। अगर होता तो शायद उस एनकाउंटर को भी वो नाकाम करके निकल जाता, जो वो पहले भी कर चुका था। इसके डर से बाकी सभी बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो जाते थे, यहाँ तक कि पुलिस भी उससे डरती थी। एक बार वो गाड़ी में अपने दो साथियों के साथ जा रहा था, आगे नाकेबंदी थी, तो एक पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रोकी। उसे मालूम नहीं था कि गाड़ी में कौन है। डॉन ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। पुलिस वाले ने पूछा, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, आप उसकी डेयरिंग देखिए। उसने अपने पैर के नीचे से AK-47 उठाया, पुलिस को दिखाया, बोला कि ये AK-47 है और मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है, और कुछ पूछना है। इसके बाद वो पुलिस वाला पीछे हट गया, नाका हटा और वो वहाँ से निकल गया। आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूपी का एक स्पेशल टास्क फोर्स है, वो भी खास तौर पर इसी के लिए बना था, क्योंकि यूपी पुलिस ने हथियार डाल दिया था कि वे श्री प्रकाश शुक्ला को नहीं पकड़ सकते। उसके गैंग में सिर्फ 4 लोग हुआ करते थे। उसका मानना था कि ज्यादा बड़ा गैंग मतलब रिस्क। चारों के पास AK-47 और 9mm पिस्तल हुआ करता था, और कहते हैं कि अकेले श्री प्रकाश ने 20 से अधिक कत्ल किए। उसके एनकाउंटर के बाद पता चला कि उसको बचाने वाले लोग कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ IAS ऑफिसर्स थे और कुछ पुलिस वाले थे। एनकाउंटर के बाद उसके पास से एक डायरी मिली थी जिसमें इन सब का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर मिली थी। ये सब कुछ उसकी एक ट्रेलर था, ताकि आपको अंदाजा हो कि वो चीज क्या था। उसका क्राइम करियर सिर्फ 5 साल का था। 5 साल में ही उसकी ये दहशत बनी और सिर्फ 25 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। चलिए शुरू करते हैं उसका 25 साल का सफर। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन ये स्टोरी किसी भी सुपरहिट मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें ट्विस्ट्स है, सस्पेंस है, ड्रामा है, टेरर है। इस कहानी का खलनायक का नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके एनकाउंटर में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की तस्वीर एक बड़ा रोल प्ले किया था। यूपी के गोरखपुर में एक जगह है मामखर गाँव। 1973 को वहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ। उस वक्त उसका नाम था शिव प्रकाश शुक्ला। पिता एक स्कूल टीचर थे। हालांकि उस गांव के लोग कहते हैं कि उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और रिटायर होने के बाद ठेकेदारी का काम कर रहे थे। बचपन से ही श्री प्रकाश की सेहत बहुत अच्छी थी। अखाड़े में जाता था, पहलवानी करता था, और कहते हैं कि अगर सही गाइडेंस मिलती तो वो एक अच्छा पहलवान बन सकता था। 20 साल के होने तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था। उसकी पहली क्राइम का किस्सा सुनाऊं, उससे पहले आपको एक मूवी की याद दिलाता हूं। 1997 में एक मूवी आई थी जिद्दी। इसमें सनी देओल डॉन देबा के रोल में थे, जो CM तक के लिए चिंता का सबब बन गए थे। देबा के अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ से होती है। देबा की बहन को इलाके का गुंडा छेड़ता है। बहन रोते हुए घर आती है और फिर देबा जाके उस गुंडे को पीटते हुए उसका हाथ उखाड़ लेता है। लेकिन फिल्म में जो हुआ वो यूपी के गोरखपुर में इससे 4 साल पहले यानी 1993 को हकीकत में हो चुका था। श्री प्रकाश अपने कमरे में बैठा था कि बाहर से बहन की रोने की आवाज आई। बहन पेरेंट्स को बता रही थी कि राकेश तिवारी ने सरेआम सड़क पर उसके साथ बदतमीजी की। असल में राकेश तिवारी उस वक्त के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का खास था। उसका नाम सुनकर पिता अपने बेटी को ही समझाने लगते हैं कि बुरे लोगों का क्या मुंह लगना, जो हुआ उसे भूल जा। लेकिन श्री प्रकाश घर से सीधे राकेश तिवारी के पास जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही का खास आदमी का हत्या होती है तो पूरे गोरखपुर में सनसनी खेल जाती है। अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में उसका नाम एकदम से बड़ा हो गया। हालांकि उस गांव के लोग साफ मना करते हैं कि राकेश तिवारी ने उसकी बहन को नहीं छेड़ा, दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई थी। राकेश तिवारी ऑलरेडी एक बदमाश था और श्री प्रकाश अपराध की दुनिया में आना चाहता था। खैर, इस मर्डर के बाद एक तरफ पुलिस को श्री प्रकाश की तलाश थी उसको अरेस्ट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ वहां की एक और बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को भी उसकी तलाश थी। वो श्री प्रकाश को बचाना चाहते थे,
इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। उस वक्त हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र शाही की दुश्मनी काफी मशहूर थी। श्री प्रकाश ने बीरेंद्र शाही के खास आदमी को मार डाला था, तो हरिशंकर तिवारी को लगा कि ये लड़का उनके काम का है, इसीलिए उन्होंने श्री प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया। मामला ठंडे होने के कुछ महीने बाद वो लौटा। अब श्री प्रकाश एकदम ही बेलगाम हो चुका था। कंटिन्यूसली मर्डर्स में श्री प्रकाश का नाम आ रहा था। तब तक उसे ये पता चला कि जो रेलवे के टेंडर्स होते हैं उस पे बड़े प्रॉफिट होते हैं, तो उसे अब यूपी बिहार के सारे रेलवे टेंडर्स खुद के नाम चाहिए था। ऐसे ही चार और ठेकेदार थे जो रेलवे की ठेके लेते रहते थे। उसने इन चारों को धमकाया कि तुम लोग अपना नाम इस टेंडर से वापस ले लो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं हटाया और इत्तेफाक से उन्हें वो टेंडर मिल गया। उन चारों के साथ उनके कुछ दोस्त मिलके लखनऊ के दिलीप होटल में जश्न मना रहे थे। ये बात है 1997 अगस्त की। तभी श्री प्रकाश शुक्ला गुस्से में वहाँ पहुँचता है। उन चारों ठेकेदार को उसी रूम में रोकता है। बाकियों को कहता है मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर उन चारों को AK-47 से मार देता है। इसी रेलवे की ठेके को लेके उसकी दुश्मनी होती है बिहार के एक नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद के साथ। पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में उनका कुछ इलाज चल रहा था, तो इसे पता था कि कब कब वो अस्पताल आते हैं। जून 1998 में अपनी सरकारी लालबत्ती की गड्डी में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद अस्पताल पहुंचते हैं। पहले से श्री प्रकाश अपने दोस्तों के साथ वहां वेट कर रहा था। मंत्री के पास बॉडीगार्ड और गनर भी मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई मौका नहीं मिलता। अस्पताल के गेट के सामने एक बिहार के मंत्री को श्री प्रकाश AK-47 से मौत के घाट उतार देता है। अब तक ये एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका था। अब उसे ये था कि सारे क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो इसकी भी यही ख्वाहिश थी। तभी उसका सामना होता है बीरेंद्र शाही से, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। दरअसल जिस जगह से श्री प्रकाश चुनाव लड़ना चाहता था, उस जगह से बीरेंद्र शाही हटने को नाराज थे। 1997 में लखनऊ में सरेआम दिन दहाड़े उसने बीरेंद्र शाही का मर्डर कर दिया, और कहते हैं हरिशंकर तिवारी ने भी कहीं ना कहीं उसकी मदद की थी। कुछ दिन बाद हरिशंकर तिवारी से भी उसकी अनबन शुरू हो गई। जितनी तेजी से श्री प्रकाश बढ़ रहा था, उसे किसी के लिए भी काबू में रखना मुश्किल था। इसके बाद उसे साथ मिला बिहार के माफिया सूरज भान का, जिससे उसे हथियार भी मिले और जिसको वो अपना गॉड फादर भी मानता था। इसी बीच यूपी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कुणाल रस्तोगी अपने बेटे के साथ कार में जा रहे थे। श्री प्रकाश उनके बेटे को किडनैप करने की कोशिश करता है। कुणाल रस्तोगी विरोध करते हैं, तो वो गोली मार देता है और बेटे को उठा के ले जाता है। इससे भी बड़ा हंगामा होता है कि बड़ा बिजनेसमैन का कत्ल और बेटे की किडनैपिंग। यूपी पुलिस पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन बच्चे को बरामद नहीं कर पाती। बाद में परिवार के साथ 1 करोड़ में डील होता है। परिवार को भी लगा बाप तो चला गया, कहीं बेटा भी ना चला जाए, और श्री प्रकाश 1 करोड़ की फिरौती लेके बेटे को रिहा कर देता है। अब तक पुलिस में उसके लिए हड़कंप मच चुकी थी। इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। खबर ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला का अगला टारगेट यूपी के सीएम कल्याण सिंह, और इसके लिए उसने 6 करोड़ की सुपारी ले रखी है। और ये खुलासा किया था साक्षी महाराज ने, क्योंकि उसने पहले भी कई पॉलिटिशियंस का मर्डर कर चुका था। तो इसके बाद एक मीटिंग हुई और ये कहा गया कि थाने की पुलिस श्री प्रकाश का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसके लिए एक स्पेशल फोर्स चाहिए। क्योंकि 9 सितंबर 1997 में पुलिस को एक खबर मिली थी कि श्री प्रकाश लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक सैलून में आने वाला है। पुलिस ने पूरी घेराबंदी की सैलून के आसपास सिविल ड्रेस में। श्री प्रकाश शुक्ला आया भी, लेकिन वो गोली चलाते हुए वहां से निकल गया, पर एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इससे पहले भी एक दो मुठभेड़ में वो निकल चुका था। इसके बाद कल्याण सिंह के आदेश में 4 मई 1998 को एसटीएफ का गठन हुआ, और इसके हेड बनाए गए अजय राज शर्मा। 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट दी गई, जिनको पकड़ना था या मारना था, और उसमें पहले नंबर पे नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। 50 बेस्ट पुलिस वालों को चुन के एसटीएफ में रखा गया। उन्हें तमाम आधुनिक हथियार दिए गए, सर्विलेंस की फैसिलिटी दी गई। अब इनका पहला टारगेट था श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि इतने सारे मर्डर्स, किडनैपिंग, रबरी के बावजूद उसका एक फोटो किसी पुलिस वाले के पास था नहीं। किसी को ये पता नहीं था कि वो दिखता कैसा है। तभी एसटीएफ को एक पुरानी बात याद आई। उस वक्त ज्यादातर लैंडलाइन का प्रचलन था, लेकिन 31 मार्च 1997 को लखनऊ में मोबाइल की शुरुआत हो गई थी। दिलीप होटल की उस शूटिंग में ठेकेदार भानु मिश्रा की मौत हुई थी।
कत्ल के 2 मिनट के अंदर लखनऊ से एक कॉल गोरखपुर में भानु मिश्रा के घर जाता है। फोन करने वाला भानु मिश्रा के भाई को कहता है कि तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया है, तुम कफन के साथ लखनऊ के दिलीप होटल पहुंच जाओ। फिर पुलिस ने होटल के आसपास जितने भी एसटीडी बूथ थे वहां पे अपनी टीम भेजी, लेकिन कहीं से कहीं जानकारी नहीं मिली। बाद में पता चला कि दरअसल ये कॉल एसटीडी बूथ से नहीं बल्कि मोबाइल से किया गया था, क्योंकि मोबाइल नया नया आया था तो उस वक्त पुलिस के पास सर्विलेंस फैसिलिटी नहीं था, लेकिन अब एसटीएफ के पास वो फैसिलिटी है। फिर एसटीएफ को मोबाइल को खरीदने वाले का पता मिला। वहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है तो एक महिला और 2 लड़कियाँ मिली, लेकिन मकान की तलाशी लेने के बावजूद पुलिस को कुछ मिला नहीं। फिर भी पुलिस को पता चला कि उस फोन को श्री प्रकाश शुक्ला यूज कर रहा है। अब एसटीएफ ने उस मोबाइल को सर्वेलेंस में लगाया और उसकी तस्वीर ढूंढने लगी, क्योंकि बिना किसी के शक्ल देखे उसे ढूंढना इम्पॉसिबल था। अब एसटीएफ ने उसके दोस्त से लेकर दुश्मन तक सबको अप्रोच किया, लेकिन किसी से भी उसका एक तस्वीर तक नहीं मिला। इसी से उसकी दहशत का अंदाजा लगाइए। तभी पुलिस को गोरखपुर के साइनी नाम के एक फोटोग्राफर के बारे में पता चला, जो कि वहां के तमाम फंक्शंस में फोटोग्राफी करता था और वीडियो भी बनाता था। पुलिस को लगा कि शायद उससे कुछ मिल जाए। पुलिस उसके पास जाती है, पता चला कि उसने ऐसे कई फंक्शंस कवर किए जहां पे श्री प्रकाश भी आया था, लेकिन उसका कोई फोटो उसके पास है नहीं। बात आई गई हो गई, लेकिन ये बात श्री प्रकाश के कानों तक पहुंच गई। अभी तक उसका प्लस पॉइंट यही था कि उसका हुलिया पुलिस को मालूम नहीं था। कुछ दिन बाद श्री प्रकाश अचानक इस फोटोग्राफर के पास आ धमकता है, उससे कहता है कि सुना है तुम पुलिस को मेरी तस्वीर बांट रहे हो। साइनी कसम खाता है कि भाई मैंने कोई तस्वीर नहीं दी, आप यकीन मानो। लेकिन उसे यकीन नहीं होता और वो उसे 4 गोली मारता है। इस कत्ल के बाद आसपास के सारे फोटोग्राफर्स में दहशत फैल गई। अब किसी की हिम्मत नहीं कि वो पुलिस की मदद करे। पुलिस के लिए अब काम और भी मुश्किल हो गया। एक मुश्किल ये भी थी कि उस जमाने में स्केच उतनी एक्यूरेट होती भी नहीं थी। कुल मिला के बात ये थी कि पुलिस अब तक उसकी तस्वीर के पीछे भाग रही है, पकड़ना तो दूर की बात है। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि हजरतगंज में श्री प्रकाश के एक रिश्तेदार रहता है, उसका उसके घर आना जाना है। ये भी पता चला कि करीब 6 महीने पहले इस शख्स के घर वो आया था। पुलिस की एक टीम उस घर में पहुंचते हैं, जो कि श्री प्रकाश की बहन और बहनोई का था। बहन और जीजू साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। पुलिस धमकी भी देती है कि एक क्रिमिनल जिसने इतने कत्ल किया है उसको पनाह देने, छिपाने, सबूत मिटाने के जुर्म में जेल में डाल देंगे। पर उन दोनों में इन धमकियों का कोई असर नहीं होता। इसी दौरान में पुलिस की नजर इन दोनों की बेटी पर पड़ती है। उनमें से एक पुलिस वाला उस बच्ची को प्यार से दूसरे कमरे में ले जाता है। वहाँ ले जाके उससे बहुत प्यार से बात करता है, उससे उसका नाम पूछता है। बच्ची भी उससे घुल मिल जाती है। फिर पुलिस वाला पूछता है कि तुम क्या पढ़ती हो, वो सब कुछ बताती है। फिर पूछता है तुम्हारा शौक क्या है, वो कहती है कि मेरा शौक फोटोग्राफी है। ये कहता है अगर शौक है तो तुम्हारे पास कैमरे भी होगा, तुमने फोटो भी खींचे होंगे। बच्ची कैमरा लाके दिखाती है। पुलिस को पता था कि इसी बच्ची के जन्मदिन पर 6 महीने पहले श्री प्रकाश यहाँ आया था। पुलिस वाला पूछता है अच्छा तुम्हारा जन्मदिन अभी गया तो तुमने उसके भी तो तस्वीर खींची होगी। बच्ची एक किताब लेके आती है, उस किताब के पन्नों के बीच 4-5 तस्वीरें थी। वो पुलिस वाले अंकल को दिखाती है। तस्वीर में बच्ची के साथ उसके माँ बाप और कुछ और लोग थे, एक नौजवान गोरा और लंबा सा शख्स भी था। पुलिस वाले ने बच्ची से पूछा ये कौन है, बच्ची कहती है ये श्री प्रकाश मामा है। पुलिस वाले को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो इतने दिन बाद कामयाबी मिली। इत्तेफाक से ये बातचीत बराबर के कमरे में इसकी माँ बाप के कानों तक पहुँच गई। दोनों इस कमरे में भाग के आते हैं और जब देखते हैं कि वो तस्वीर पुलिस वाले के हाथ में है, दोनों उस पुलिस वाले के पैरों पे गिर जाते हैं। कहते हैं प्लीज ये तस्वीर हमें वापस दे दीजिए, अगर आप इसे ले गए और ये बात श्री प्रकाश तक पहुंच गई तो वो सारे रिश्ते भूल जाएगा और हमें मार देगा। आखिरकार पुलिस वाले उन्हें बार बार भरोसा देकर फोटो लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर टीम एसएसपी को खबर करती है। पहले उनका प्लान ये था कि इस तस्वीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब सामने एक नई प्रॉब्लम, अगर तस्वीर को ऐसे ही पब्लिक कर दिए और वो फैमिली मारा गया तो पुलिस की बड़ी फजीहत होगी। अब यहाँ पे मामला फिर से फंस गया, तस्वीर हाथ में है लेकिन जारी नहीं कर सकते। तभी आईपीएस राजेश पांडे ने एक आइडिया दिया, सबको ये आइडिया पसंद आया।
इसके बाद राजेश पांडे श्री प्रकाश के उस तस्वीर को लेके हजरतगंज बाजार पहुंचते हैं। वहां पे फिल्मी सितारों की पोस्टकार्ड साइज की तस्वीरें बिकती थी। उन्होंने उन तस्वीरों को देखा। उनमें से एक तस्वीर थी सुनील शेट्टी की। श्री प्रकाश की कदकट्ठी सुनील शेट्टी से मिलती जुलती थी। उस तस्वीर में सुनील शेट्टी ने डेनिम का शर्ट पहन रखा था। वो उस फोटो को खरीद के पास की एक फोटो एडिटिंग शॉप में जाते हैं। दुकानदार को श्री प्रकाश की तस्वीर दिखाते हैं। दुकानदार घबरा जाता है। राजेश पांडे उसे समझाते हैं, भरोसे में लेते हैं और फिर सुनील शेट्टी की फोटो उसके सामने रखते हैं। उसको कहते हैं कि श्री प्रकाश का गर्दन और सर इस सुनील शेट्टी की फोटो में सेट कर दो। एडिटिंग एकदम परफेक्ट हुई। इसके बाद राजेश पांडे उस फोटो की 200 कॉपियां निकालते हैं और फिर एसएसपी के दफ्तर पहुंचते हैं। अब पुलिस ने मीडिया में वो फोटो जारी कर दी। श्री प्रकाश के मोबाइल को पुलिस ने पहले ही सर्विलेंस में डाल रखा था। फिर उसके चेलों के नंबर भी सर्विलेंस में डाला गया। तभी एक कॉल ट्रेस होती है और एक चेला श्री प्रकाश से कहता है कि भाई आपकी तस्वीर अखबारों में छप गई है। श्री प्रकाश ये सुनकर हैरान हो जाता है और घबरा भी जाता है कि उसकी तस्वीर कहां से आई। फिर वो पूछता है कि अच्छा उस तस्वीर में मैं क्या पहना हूँ, तो ये बताता है कि आपने डेनिम की शर्ट पहन रखी है। तो श्री प्रकाश कहता है यार डेनिम की शर्ट पहनी तो थी पर पता नहीं कहां और कौन वो फोटो खींचा। लेकिन उसको जरा भी शक नहीं हुआ कि उसकी बहन की घर से तस्वीर लेके उसको एडिट करके ऐसा बनाया गया है। धीरे धीरे श्री प्रकाश को लगा कि शायद उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है, तो उसने अब पीसीओ यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा उसको लड़कियों का शौक था, कई लड़कियों से घंटों बात करता था। उसने तो पीसीओ यूज किया, लेकिन पुलिस ने उसके गर्लफ्रेंड्स के नंबर भी सर्विलेंस में डाल रखा था। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ को पता चला कि श्री प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आ रहा है। दोपहर 1:30 बजे श्री प्रकाश अपनी नीली सीएलओ कार में जा रहा था। उसके साथ उसकी गैंग के बाकी 3 लोग भी थे। गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद उसे दिल्ली एयरपोर्ट से रांची जाना था, इसीलिए उस दिन उसने AK-47 नहीं लिया था। इधर एसटीएफ की टीम ने उसे घेरने की पूरी तैयारी कर ली। पुलिस ने उसे घेर लिया। श्री प्रकाश और उसके साथियों ने 14 राउंड फायर किया। बदले में पुलिस ने 45 राउंड फायर किया। कुछ ही देर में वो चारों मारे गए। तो यूपी के सबसे खूंखार डॉन का खात्मा ऐसे हुआ, जिसमें सुनील शेट्टी की उस फोटो ने काफी मदद की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते ये वीडियो भी एक बार देख लीजिए। कैसे एक शख्स को 3 बार फांसी दी गई लेकिन वो मरा नहीं। ऐसे ही मिस्टीरियस कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।